नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी आठवीं कक्षा का छठा अध्याय नील गगन का नीलू। प्यारे बच्चों, इसमें जो नीलू नाम है ये अनिल शर्मा जी का है, जो कि भारतीय वायु सेना में सार्जेंट के पद पर नियुक्त थे और जिन्होंने देश की सेवा करते हुए भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। कौन थे नीलू, कैसे उनका लालन पालन हुआ, कैसा उनका स्वभाव था और कैसे वो देश के लिए सेवा करते हुए शहीद हुए, आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। भारत के वीर देश की आजादी की रक्षा की खातिर सदैव कुर्बान होने को लालायत रहते हैं। उनका अध्यय मात्र राष्ट्रीय पुरस्कार जस सम्मान पाना ही नहीं होता, बल्कि वे देश व देशवासियों की सुरक्षा के लिए शहीद होने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौरवान्वित महसूस करना बच्चों, मान महसूस करना। ऐसे ही बुलंद हौसले वाले अटूट साहसी जिन्हें मौत का डर न था, वे थे स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा उर्फ नीलू। बाल्यकाल से ही दृढ़ निश्चयी नीलू अपनी बड़ी बहन शुभला का दाखिला करवाने गए। पिता से जिद पर उतर आए कि उन्हें भी स्कूल में भर्ती करवाया जाए। भला बाल हट व दृढ़ निश्चय के सामने कौन नहीं झुकता। बेटा, बाल हट का मतलब होता है बच्चों की जिद। हम जानते हैं ना कि बच्चे कितने जिद्दी होते हैं और जिस बात पर अड़ जाते हैं उनकी बात पूरी करनी ही पड़ती है। तो देखिए, जो नीलू थे उनकी जिद क्या थी कि वे भी अपनी बहन के साथ स्कूल जाना चाहते थे। कब जाना चाहते थे, जब उनकी इतनी आयु ही नहीं थी कि उन्हें स्कूल भेजा जाए। फिर भी उन्हें उनके पिताजी को उनकी जिद के आगे झुकना पड़ा और पिता को उनका दाखिला 4 वर्ष की आयु में ही प्रथम कक्षा में करवाना पड़ा। आजकल तो वैसे ही बच्चों 2.5-3 साल के बच्चे का दाखिला हम लोग करवाने लगे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। 5 साल की उम्र में पहली कक्षा में दाखिला दिलवाया जाता था। नीलू के खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। पिता हरि प्रकाश शर्मा वायुसेना में सार्जेंट थे, इसलिए नीलू की रुचि फ्लाइंग में होना स्वाभाविक ही था। वैसे भी बच्चों, हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि जिस प्रकार का हमारे माता पिता कार्य करते हैं, बच्चों की वैसी ही रुचि डिवेलप हो जाती है, वैसी ही रुचि विकसित हो जाती है। वे भी वैसे ही कार्य करना चाहते हैं जैसे उनके माता पिता करते हों। इसी प्रकार जो हमारे नीलू थे, उनके पिता हरि प्रकाश जी वायु सेना में भर्ती थे, इसलिए उनके खिलौनों में केवल वायुयान ही होते थे। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाजों को देखते और मन ही मन बुदबुदा देख विमानों को उड़ते मन ही मन हर्षाऊं, बड़ा होकर देश का मैं परचम फहराऊं। तो बच्चों, जहाजों को उड़ते देखकर वे क्या सोचा करते थे। पहले तो वे जहाजों को उड़ते देख मन ही मन खुश हुआ करते थे, हर्षाते थे और सोचते थे कि बड़े होकर वे भी एक दिन भारत माता के झंडे को, परचम का अर्थ होता है झंडा, ध्वज, ऊंचा फहराने की कामना रखते थे। ये है बच्चों हमारे अनिल शर्मा जी, जो कि हमारी वायु सेना में अपनी सेवाएं दिवाते हुए देश के लिए शहीद हुए थे। तो आगे पढ़ते हैं उनके जीवन काल के बारे में। मेधावी छात्र पर आयु कम होने के कारण उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा विशेष अनुमति द्वारा मात्र 14 वर्ष की आयु में ही पास की। मेधावी बच्चे, होशियार बच्चे को बोला जाता है। वे पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए कम आयु में, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के लिए, 10वीं की परीक्षा पास करने के लिए जो निर्धारित आयु है वो 15 वर्ष है, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष की आयु में ही 10वीं की परीक्षा पास की। इसके लिए उन्हें एक विशेष जो अनुमति लेनी पड़ी, आज्ञा लेनी पड़ी विभाग की तरफ से कि वो परीक्षा दे सकें। वे परीक्षा में अनुमानित अंक भी आंक लिया करते थे। आंक लेना बेटा, पूर्व अंदाजा लगा लेना, मतलब जब वो पेपर देकर आते थे तो पहले से ही बता दिया करते थे कि उनके कितने अंक आएंगे, कितने अंक का उन्होंने जो पेपर है वो सही किया है, कितना गलत। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में
उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए। उन्होंने अपनी माँ उषा शर्मा को बताया, आज तक मैंने जितनी बार भी अपने अंकों का अनुमान लगाया हमेशा उतने ही अंक आए हैं, इस बार मेरे 91 अंक होने चाहिए थे। बेटे के आत्मविश्वास को देखकर माँ के परामर्श से दोबारा मूल्यांकन करवाने पर उनके अंक 91 ही निकले। बेटा जी बहुत बड़ी उदाहरण है उनके आत्मविश्वास की कि वो जितना अपने अंक आंका करते थे, अनुमान लगाया करते थे, उतने ही अंक प्राप्त करते थे। जब कम अंक आए तो इसकी जो बात थी वो उन्होंने अपनी माताजी से की, माताजी ने भी उन पर विश्वास रखा, दोबारा जो उसका मूल्यांकन करवाया गया उसके पेपरों का, तो उतने ही अंक निकले जितने उन्होंने बताए थे। सन 1987 में CDS की परीक्षा में चंडीगढ़ से सफल होने वाले एकमात्र अकेले युवक अनिल शर्मा ही थे। दर्जे रैंकिंग के हिसाब से उनके सामने जल थल और वायु सेना में से किसी को भी चुनने का विकल्प था। इसके अतिरिक्त तीक्ष्ण बुद्धि वाले नीलू का केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग एवं सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमांडर के रूप में भी चयन हो गया था। देखो बच्चों कितने होशियार थे वो कि जो उन्होंने सेना में जाने के लिए परीक्षा दी उसमें भी उनको स्वयं सिलेक्ट करना था कि वो कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हैं, जल सेना में जाना चाहते हैं, थल सेना में जाना चाहते हैं या वायु सेना में। इसका मतलब उनका रैंक बहुत आगे होगा। जिन बच्चों का रैंक पीछे होता है उनको विभाग अपनी तरफ से ही अपनी मर्जी से ही जो अपना विकल्प देता है, लेकिन उन्हें स्वयं चुनने के लिए कहा गया था। वे केवल सेना में ही नहीं बल्कि जो हमारा सेंट्रल उत्पाद शुल्क विभाग है उसमें भी चयन उनका हो गया था। उन्होंने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए वायु सेना को ही चुना और बीदर में पायलट का प्रशिक्षण लिया। तो बच्चों जब 3 विकल्प सामने थे तो अपने सपनों को साकार करने का इससे बड़ा मौका भला क्या हो सकता था। क्योंकि उनकी रुचि शुरू से ही वायु सेना में थी तो उन्होंने वायु सेना को ही चुना और बीदर में उनकी जो ट्रेनिंग थी वो पूरी हुई। जनवरी 1993 में इनका विवाह दीपिका शर्मा से संपन्न हुआ, जिनसे इन्हें एक पुत्री रुशिर वे पुत्र वैभव प्राप्त हुए। यानी कि इनकी पत्नी का नाम दीपिका शर्मा था और इनके बच्चों के नाम, बेटी का नाम रुशिल और पुत्र का नाम वैभव था। उनकी असाधारण प्रतिभा एवं समर्पण भाव को देखकर उन्हें जल्दी ही वायुयान चालक परीक्षक नियुक्त कर दिया गया। बेटा वो भर्ती तो हुए थे सेना में चलाने के लिए, जहाज चलाने के लिए पायलट के तौर पर नियुक्त हुए थे, लेकिन वो इतने कुशल और निपुण थे कि जल्दी ही उन्हें एक प्रशिक्षक ट्रेनर के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। यानी कि अब वे दूसरों को जहाज चलाना सिखाते थे। स्वभाववश वे अपना काम शीघ्र ही निपटा लेते थे। शीघ्र ही निपटा लेना, बहुत जल्दी काम पूरा कर लेना। इसी कारण वे निपुण प्रशिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो जगह जगह पर उनकी जो प्रसिद्धि हो गई कि वो बहुत ही कुशल ट्रेनर थे। कहा भी गया है, होनहार वीरवान के होत चीक नेपात। यह बात अनिल शर्मा पर पूरी तरह से चरितार्थ होती है। बेटा यह एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है कि जो होशियार बच्चे होते हैं, मेधावी छात्र होते हैं, उनके लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ जाते हैं। और अनिल शर्मा पर भी यह मुहावरा, यह लोकोक्ति पूरी तरह से लागू होती है उनके जीवन पर कि उनकी जो होशियारी थी, उनकी जो मेधावी होना था, उसका पता बचपन से ही लगता है। 7 नवंबर 1966 ईस्वी को करतारपुर में समय से पूर्व मतलब जो जन्म का निर्धारित समय था उससे पहले ही प्रीमेच्योर पैदा हुए, असमय बोलने लगे। आमतौर पर बच्चा 2-2.5 साल की आयु में बोलने लगता है, लेकिन ये उससे पहले ही बोलने लग गए थे, असमय पढ़ने लगे। हमने देखा कि जब उनके पिताजी उनकी बहन का दाखिला करवाने गए थे तभी वे जिद से स्कूल में दाखिल हो गए थे। यानी कि अपनी निर्धारित आयु से पहले ही उन्होंने स्कूल में दाखिला ले लिया था। असमय नौकरी करने लगे। तो जब उनकी 10वीं की परीक्षा भी उन्होंने
समय पास की, तो फिर नौकरी भी उनको पहले ही मिलना स्वाभाविक था, क्योंकि वे हर एक जो सीढ़ी थी वो जल्दी जल्दी चढ़ते जा रहे थे। और फिर पूरे यौवन में असमय ही मातृभूमि के लिए नशावर हो गई। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने शीघ्र अपना कार्य करने वाले ये युवक पूरी जवानी में ही अपने निर्धारित आयु से पहले ही मातृभूमि के लिए अपने प्राण निशावर कर गए। अनिल ने अपने अल्प कार्यकाल मतलब थोड़ी आयु में ही, थोड़े समय में ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा की, जिसमें भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक बार नक्सली इलाके से गुजरते हुए गोली हेलीकॉप्टर को लगने ही वाली थी कि अनिल ने अपनी बुद्धिमता एवं चातुर्य से उसे ऐसा मोड़ा कि वह गोली हवा होकर रह गई। बेटा, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड वाला रीजन, वहां पर नक्सली इलाका है। बहुत से नक्सली डाकू होते हैं जो कि सेना के हेलीकॉप्टर पर गोली चलाने ही वाले थे, तभी इन्होंने अपनी होशियारी से जहाज को मोड़ कर गोली से बचा लिया था। गुजरात के दलदलीय कच्छ क्षेत्र में वर्ष 1999 में पाकिस्तान द्वारा UMV अनमैन्ड व्हीकल, जिसका नाम अटलांटिक था, भारत की ओर छोड़ा। इसी प्रकार एक और बात बताई जा रही है कि 1999 में गुजरात के कच्छ क्षेत्र में, बेटा गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है जो पूरी तरह दलदलीय इलाका है, वहां पर पाकिस्तान ने एक अनमैन्ड यानी कि व्यक्ति के बिना अमानवीय एक हथियार, एक व्हीकल भेजा था जिसका नाम अटलांटिक था। तो अनिल ने अपनी टीम मिलकर शत्रु के नापाक इरादों को असफल कर दिखाया। 26 जनवरी 2000 को उन्होंने राजधानी दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने कौतुक का परिचय दिया कि किस प्रकार एक पायलट लोगों की जान बचाने में सक्षम है। जमीन पर सैनिकों से भरी जीप को हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर उठाकर कहीं और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कर्तव्य स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जब करके दिखाया, तब देखने वाले दंग रह गए। बेटा, ये कोई कर्तव्य दिखाने का कोई गलत मकसद नहीं था, इसका मकसद ये था कि अगर किसी विपत्ति के समय उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा लोगों की सहायता करनी पड़े तो उनमें इतनी कुशलता है कि वे सुरक्षित लोगों को उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकते हैं। ऐसे जो कारनामे होते हैं जो हमारी 26 जनवरी या 15 अगस्त की परेड में हमारी सेना द्वारा दिखाए जाते हैं अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए कि वो कितने कुशल हैं। तत्पश्चात ऊपर से फूलों की वर्षा ने तो दर्शकों को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। जुलाई 2000 में रामपुर बुच्छ हिमाचल में बादल फटने से आई बाढ़ जैसी भीषण परिस्थितियों में बचाव कार्य द्वारा अनेक लोगों की जानें बचाने का जोखिम भरा कार्य किया, जिसके लिए आज भी वहां के लोग अपने आप को ऋणी मानते हैं। जहां तक के वहां की लड़कियां वो महिलाओं ने तो अनिल को राखियां बांधकर अश्रुओं से भरी आंखों से वहां से विदा किया था। बेटा, उनकी बहादुरी का एक और किस्सा बताया जा रहा है कि एक बार हिमाचल में भीषण बाढ़ आई थी, बादल फट गया था। ये तो हिमाचल में बड़ी आम सी बात है, जब भी वर्षा का महीना होता है तो हर वर्ष ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं कि हिमाचल में या उत्तराखंड में बादल फटते रहते हैं। तो वहां पर इन्होंने बचाव कार्य में लोगों का बहुत साथ दिया, लोगों का बचाव किया, तो वहां के लोगों ने इनको बहुत प्यार दिया और वहां की जो स्त्रियां थी, लड़कियां थी, उन्होंने अनिल शर्मा को राखियां भी बांधी और जब वे वहां से विदा होने लगे तो इन्हें आंसुओं भरी आंखों से विदा किया। आंसुओं भरी आंखों से विदा करना बेटा, प्रेम पूर्वक किसी को विदाई देना। इस तरह अनेक बार अनिल ने अपनी बुद्धिमत्ता, चातुर्य, कौतुकता एवं निर्णय लेने की क्षमता से देश को गौरवान्वित किया। देश रक्षा की खातिर मैं नील गगन उड़ जाऊं, नीलांबर से नील नीर में मैं नीलू मिल जाऊं। देखो बेटा, कितनी गहरी
लाइनें हैं, इनमें एक देशभक्त की भावनाओं का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार एक देशभक्त देश की रक्षा करते हुए कुर्बान होने को तैयार रहता है। ऐसी भावना से ओतपोत नीलू हमेशा चुनौतीपूर्ण कार्य को करने में तत्पर रहते थे। आम तौर पर हम क्या देखते हैं कि जो चुनौती पूर्ण कार्य होते हैं हम उनसे दूर भागते हैं, लेकिन नीलू ऐसे कार्यों को करने में आगे रहते थे। वे कभी भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। उन दिनों भारत की पश्चिमी सीमा अर्थात पाकिस्तान द्वारा अक्सर ही कभी जल कभी थल तो कभी वायु मार्ग से सीमा भेदन होता ही रहता था। 12 नवंबर 2000 को भारतीय तट रक्षा हेतु तैनात भारतीय सुरक्षा बल ने सतर्कता दिखाई। बेटा ये बातें तो आजकल भी आम ही सुनने को मिलती है कि हमारे पश्चिमी तट पर या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ होती ही रहती है। ऐसा ही कुछ 12 नवंबर 2000 को भी भारतीय तट पर गुजरात के तट पर हुआ था। उन्होंने पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखी जो कि भारत की सीमा में दाखिल होने को थी, लेकिन वहां क्या हो रहा था, पाकिस्तान की तरफ से भारत की जो जल सीमा है उसका भेदन किया जा रहा था। जिस प्रकार बेटा जमीन में सीमाएं होती हैं, उसी प्रकार समंदर में ही देशों की सीमाएं होती हैं, में भी देशों की सीमाएं होती हैं, तो पाकिस्तान हमारी सीमा लांघने की कोशिश कर रहा था। इस दखल अंदाजी को जांचने के लिए उच्च स्तरीय टीम को लेकर स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा ने जो ही उड़ान भरी तो पाकिस्तानी सैनिकों ने मछुआरों के बेस में मिसाइल फेंकी। दुर्भाग्यवश यह मिसाइल उस हेलीकॉप्टर को जा लगी जिसमें अनिल समेत दल के 12 अधिकारी थे। तभी यह हेलीकॉप्टर बल खाता हुआ कच्छ की दलदल में जा गिरा। इन वीरों के जख्मों से रिश्ते रक्त और उन पर तेजाब का काम करता नमकीन पानी अगली सुबह तक 7 अधिकारियों को मौत की नींद सुला चुका था। शेष 5 अधिकारियों को वहां से जीवित निकाला गया। तो बच्चों जब पाकिस्तान के सीमा भेदन की जांच करने के लिए अपने हेलीकॉप्टर के द्वारा ऊपर से जायजा लेने लगे, तभी पाकिस्तान के सेना वालों ने वहां पर एक मिसाइल फेंकी जो उनके जहाज को जा लगी और इनका जो जहाज था वो दलदलीय क्षेत्र में जा गिरा। उसमें कुल 12 अधिकारी मौजूद थे जिनमें से 7 की तो मौत हो गई। उन 7 में अनिल शर्मा भी एक थे और 5 को वहां से जीवित निकाल लिया गया था। काश नीलू व उनकी टीम जैसे जज्बे वाले नौजवानों ने 26 नवंबर 2009 को मुंबई में घुसपैठ करने वाली उन किश्तियों की सुध ली होती तो सैकड़ों देशवासियों और विदेशियों की लाशों का बोझ भारत माता के सीने को शलनी ना करता। बेटा उनकी मौत के पश्चात 26 नवंबर 2009 को आतंकवादियों ने मुंबई में भी घुसपैठ की थी और मुंबई पर बम से अटैक किए थे। सीरियल अटैक हुए थे, कई जगह पर अटैक हुए थे। अगर उस समय अनिल शर्मा जैसे सच्चे जज्बे वाले नौजवान मौजूद होते तो शायद आज ये दिन हमें ना देखना पड़ता। धन्य है स्क्वाड्रन लीडर अनिल शर्मा व उनके जैसे वे अमर शहीद जिन्होंने अपने प्राणों से अधिक देश की रक्षा को मूल्यवान समझा। इस तथ्य को सिद्ध करते हुए उन्होंने स्वयं कुर्बान होकर हजारों भारतवासियों एवं देश की सुरक्षा को पुख्ता किया। सलाम करते हैं बेटा हम ऐसे जज्बे वाले वीर शहीदों को जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को निशाबर कर दिया, अपने जीवन का भारत माता के सामने कोई मूल्य नहीं समझा। आज भी बच्चों हमें ऐसे ही वीरों की बहुत आवश्यकता है जो देश की सुरक्षा के लिए जी जान से सीमाओं पर जाकर दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हों, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हों। तो बच्चों आगे हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। तो बच्चों पहले हम एक या दो वाक्य वाले प्रश्न देख लेते हैं। नीलू का पूरा नाम क्या था? तो बेटा हमने पढ़ा नीलू का पूरा नाम अनिल शर्मा था।
दूसरा प्रश्न, बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में क्यों हो गई? तो उसका कारण क्या था बेटा? उसके पिता वायुसेना में सार्जेंट थे। वे घंटों आकाश में उड़ते जहाजों को देखता रहता था, इसीलिए बचपन से ही उसकी रुचि फ्लाइंग में हो गई थी। उड़ते हुए वायुयान को देखकर वह मन ही मन क्या सोचता है? वह मन ही मन सोचता है कि मैं भी बड़ा होकर विमान उड़ाऊंगा और देश का नाम ऊंचा करूंगा। उसने पायलट का प्रशिक्षण कहां से लिया? उसने पायलट का प्रशिक्षण विदर से लिया। उन्होंने किन किन क्षेत्रों में देश की सेवा की? उन्होंने बाढ़, सीमा सुरक्षा, वायुयान प्रशिक्षण एवं पायलट के क्षेत्रों में देश की सेवा की। उसे किस प्रकार के कार्यों में रुचि थी? उसे चुनौतीपूर्ण कार्यों में रुचि थी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षा बल ने पश्चिमी सीमा पर क्या देखा? 12 नवंबर 2000 को भारतीय तटरक्षा बल ने पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तानी मछुआरों की किश्तियां देखी। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, पाकिस्तानी मछुआरों ने किसे अपना निशाना बनाया? पाकिस्तानी मछुआरों ने दखल अंदाजी को जांचने आए हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया। 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ किस स्थान पर हुई? 26 नवंबर 2009 को ऐसी ही घुसपैठ मुंबई में हुई थी। आगे बच्चों हम देखते हैं बड़े प्रश्न, किन किन घटनाओं से पता चलता है कि अनिल शर्मा असाधारण प्रतिभा के स्वामी थे? उत्तर देखते हैं बेटा, कई ऐसे पॉइंट हमें इस पाठ से पता चलते हैं जिनसे हमें उनके असाधारण प्रतिभा का पता चलता है। सबसे पहला पॉइंट, बालहट से 4 वर्ष की आयु में ही पहली कक्षा में दाखिला करवा लिया। केवल 14 वर्ष की आयु में ही विशेष अनुमति से मैट्रिक की परीक्षा पास की। जहाजों को उड़ते देखकर बचपन में ही जहाज उड़ाने का संकल्प कर लिया। बीएससी नॉन मेडिकल की परीक्षा में गणित में 100 में से 91 अंक प्राप्त किए। 1987 में सीडीएस की परीक्षा में चंडीगढ़ से अकेले सफल हुए, एकमात्र व्यक्ति थे जो सफल हुए थे। इसके अतिरिक्त आप ये भी लिख सकते हो कि वे जितने भी अंका करते थे हमेशा उतने ही अंक प्राप्त किया करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, किस घटना से पता चलता है कि उनमें पूरा आत्मविश्वास था? बीएससी की परीक्षा में उनके गणित में 100 में से 71 अंक आए, किंतु उन्होंने माँ को बताया कि उसके अनुमान से अंक 91 आने चाहिए थे। इससे माँ ने उसका दोबारा मूल्यांकन करवाया जिससे उनके 91 अंक ही आए। इस कथन से पता चलता है कि उनमें पूरा आत्म विश्वास था। तो बच्चों आगे हम इसका और अभ्यास कार्य देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखते हैं मुहावरे। हमें मुहावरों के अर्थ भी लिखने हैं और इनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रत्येक मुहावरे के आगे इसके अर्थ लिख दिए हैं, वाक्य आपको खुद बनाने हैं। मौत की नींद सुलाना यानी कि मार देना, तो हम इसका वाक्य बना सकते हैं कि नीलू ने शत्रुओं को मौत की नींद सुला दिया। हमारा दूसरा वाक्य देखते हैं मुहावरा, सीना छलनी करना मार देना। इसका भी हम ऐसे ही बना सकते हैं कि वीर सैनिकों ने दुश्मनों के सीने को छलनी कर दिया। हमारा तीसरा मुहावरा, गौरवान्वित करना, गौरव महसूस करना या फिर मान बढ़ाना। तो हम कह सकते हैं कि अच्छे नौजवान अपने अच्छे कार्यों से देश को गौरवान्वित करते हैं या माता पिता को गौरवान्वित करते हैं। नेक्स्ट है, होनहार वीरवान के होत चीकने पा। तो मैंने आपको इसका अर्थ पाठ में भी बताया था कि मेधावी जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण बचपन में ही दिखाई पड़ जाते हैं।
तो हम इसका वाक्य नीलू पर ही बना सकते हैं कि नीलू बचपन से ही बहुत ही साहसी, दृढ़ एवं मेधावी थे। उनके व्यक्तित्व को देखकर लगता है कि उन पर ये बात पूरी तरह से लागू होती है, होनहार वीरवान के होत चीकने पात। हमारा नेक्स्ट जो मुहावरा है, सुध लेना। सुध लेना यानी कि ध्यान देना, अव्यवस्थित होने पर, अस्वस्थ होने पर भी माँ अपने बच्चों की सुध लेना नहीं भूलती। सीधा सीधा लिख सकते हो आप कि बीमार होने पर भी माँ अपने बच्चों की सुध लेती है। ताकते रह जाना, देखते रह जाना, या दंग रह जाना, या फिर हैरान रह जाना। नीलू के कर्तव्यों को देखकर लोग ताकते ही रह जाते थे। मंत्र मुग्ध होना, लीन होना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि प्रताप वायुवान को देखकर मंत्र मुग्ध हो गया। आगे है बच्चों, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द। देश की रक्षा के लिए कुर्बान होना यानी कि शहादत। कभी ना थकने वाला अथक, जिसे किसी का भी डर ना हो निडर। अपने आप पर भरोसा होना आत्मविश्वास। वायुयान चलाने वाला पायलट। समय से पूर्व असमय। बचपन की जिद बालहट। घुसपैठ करने वाला घुसपैठिया। आगे है बच्चों, विपरीत शब्द बनाएं। पेपर में आपको नए शब्द बनाए का प्रश्न भी इनसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें अ का दूसरे शब्दों के साथ मेल करके हम नए शब्द बनाएंगे। अ को साधारण के साथ मिलाने से असाधारण बना। अ को समय के साथ लगाने से असमय। अ को सफल के साथ लगाने से असफल। अ और टूट के मेल से अटूट। अ और थक के मेल से अथक। अ और न्याय के मेल से अन्याय। प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे अभी कर लें, ताकि आने वाले पाठ की वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।